नमस्कार, आदाब। मैं नगमा खान अपने यूट्यूब चैनल रूबरू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। माता पिता बड़े ही चाव और बड़े ही मेहनत से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं कि वो एक दिन बड़े होकर उनका और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। लेकिन वही बच्चे अगर नशे के रास्ते पर जाते हैं तो ये सोचिए कि वो उन माता पिता पर क्या बीतती होती है, ये तो सिर्फ वही जानते हैं। नशा एक ऐसी आदत है जो किसी भी बच्चे को लग जाए तो वो उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। ऐसे तो देश में कई सारी संस्थाएं नशा मुक्ति का काम कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था चलाने वाली शख्सियत से आज हम रूबरू कराते हैं जो नशा मुक्ति का काम कर रही हैं। तो चलिए आज मिलते हैं हम अनीता करांडे जी से। नमस्ते अनीता जी, हमारे चैनल रूबरू में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। ज़रूर। मेरा नाम अनीता करांडे है। मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और मुझे उस सोशल फील्ड में काम करना अच्छा लगता है। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि नशे से पीड़ित लोगों को नशा मुक्त कराया जाए? वैसे देखा जाएगा तो बचपन से हमें हमारे मामा पापा का यानी पिता का प्यार नहीं मिला। क्यों? कि मेरे पापा ही खुद एक ड्रिंकर थे, नशेबाज थे जी। तो हमेशा रोज़ शराब पी कर आते थे और हमें गाली देना, चिल्लाना, तो एक डर सा हम दिल में बैठ गया था। तो हमें उनका कभी प्यार नहीं मिला। अच्छा। हाँ, तो फिर धीरे धीरे मुझे भी जब ये फिल्म मेरे सामने आया तो मुझे एक अंदर से प्रेरणा मिली कि हमें तो ये सारी चीज़ें नहीं मिली लेकिन आगे चलकर उनकी फैमिली ठीक हो जाए। वही एक प्रेरणा लेकर मैं आगे बढ़ी और इस फील्ड में आ गई हूँ। अनीता जी, जो आप ये सोशल एक्टिविटी कर रही हैं, कितने सालों से कर रही हैं? इस नशा मुक्ति फील्ड में मैं पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ जी। नशा मुक्ति केंद्र में एक संस्था में मैं काउंसलिंग का काम कर रही थी और जब मैं देख रही थी कि जो नशे से पीड़ित जी वो नशेबाज नहीं उसकी बल्कि उसकी फैमिली ही जाता है, तो उसकी जब फैमिली जब आती है मेरे पास, जब बच्चा अगर नशा करे तो मम्मी पापा आते हैं, आदमी अगर नशा करे तो बीवी आती है, तो जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग समाज में हैं, दुखी हैं, और जब मैं काउंसलिंग का काम कर रही थी तो मुझे अंदर से एक लग रहा था कि मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ क्योंकि वो इतने परेशान हैं कि उनके दुख किसी को नहीं बता रहे हैं और मैं बस उनका सुन के ले रही थी, उनको रिलैक्स हो रहा है या फिर उनको मन को शांति मिल रही है। बाद में जो काउंसलिंग के बाद उनमें घर में जो भी उन पर असर होगा वो तो बात की बात है, लेकिन मेरे जस्ट एक काउंसलिंग से उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। धीरे धीरे काम करते करते फिर मुझे ये लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है संस्था उसे मैं ऊपर करूँ और मैं खुद जो भी मेरे पास अच्छाइयाँ है या क्वालिटीज़ है जी वो सबको दूँ। इसके लिए मैंने पिछले भी 1 साल से मैं खुद इस फील्ड में उतर कर मैंने काम किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और 2018 से 1 साल हो गए यादनिका फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने ओपन की और उसका ओपनिंग मैंने इधर भाईंदर वेस्ट उत्तान में शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो सोशल एक्टिविटीज़ और ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपने किया है, इसको शुरू करने से पहले आपको क्या क्या परेशानियाँ आई हैं और जब ये आपका ऑर्गेनाइजेशन आज हो गया है, शुरू हो गया है, इसमें आप काम कर रही हैं, उसमें क्या क्या परेशानियाँ और आ रही हैं? पिछले 2 साल से मैं इस संस्था में हूँ और बहुत सारी परेशानी को मैंने झेला है। पहली परेशानी तो ये शहर से दूर है, नया गाँव, नई जगह, नए लोग जी जी, और यहाँ पर पानी की दिक्कत है, बिजली की थोड़ी दिक्कत है और ये पूरा घना जंगल है तो शहर से थोड़ा दूर भी है जी जी, तो मुझे बहुत दिक्कतें आई थी। जब जब बरसात का मौसम था तभी यहाँ पर यहाँ तक पानी भरता था और यहाँ पर जो भी पेशेंट्स आते हैं या फिर फैमिली के लोग आते हैं नशेबाज एडिक्टेड जो लोग हैं जी, उनका हमेशा माइंड चेंज होता रहता है, उनका मूड स्विंग होता रहता है, तो ऐसे बच्चों से या फिर ऐसे लोगों से
टैकल करना बहुत मुश्किल होता है जी। उनका हमेशा रोज के रोज उनका ब्रेन वॉश करना, उनको नई नई एक्टिविटीज देना, एक काम हमको हर रोज करना पड़ता है, उनका काउंसलिंग करना, उनका शेयरिंग लेना, लेक्चर्स लेना, सारे काम हमें रोज करना पड़ता है। जब मैंने यहाँ पर शुरू किया था तभी मुझे स्टाफ नहीं मिल रहे थे, तो मैंने यहाँ पर 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा मैंने यहाँ पर काम किया। जिससे मेरी फैमिली में भी बहुत परेशानी आती थी, जब मैं यहाँ पर रहती थी तो मेरी फैमिली को वक्त नहीं दे पाती थी, तो वहाँ से भी आपको पता होगा कि लेडीज़ को कितनी प्रॉब्लम्स होती है। मुझे घर भी संभालना है और प्लस ये भी, क्योंकि ये मेरा पैशन है या फिर मेरी प्रेरणा ली है, तो उसे मुझे देखना ही है, करना ही है। तो यहाँ पर मुझे स्टाफ नहीं मिल रहे थे और प्लस ये लेडीज़ का है तो लेडीज स्टाफ मुझको नहीं मिल रही थी, तो मैं यहाँ पर हर घर घर में जाकर मेरे पैम्पलेट बांटकर उनको पूछती थी कि हमारी एक संस्था ऐसी ओपन होगी, कोई भी आपके आसपास में ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए, और हमें भी लोगों के लेडीज स्टाफ की भी ज़रूरत है। तो ऐसे घर घर पर जाकर मैंने उनसे बताकर एक काम किए हैं। फिर आसपास के लोगों ने भी थोड़ी परेशानी हमको दी, फिर भी हमने शांति से प्यार से उस चीज़ को हैंडल किया है। हमने यहाँ पर सारे लोगों से प्यार का रिश्ता बनाया है। अनीता जी, आपकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि आपने बहुत परेशानी उठा रहे हैं, और मैं ये जानना चाहती थी यहाँ पर जो एडिक्टेड लोग आते हैं किस एज ग्रुप के लोग और किस टाइप के लोग आते हैं यहाँ पर? देखा जाएगा तो लड़के और लड़कियाँ दोनों भी एडिक्टेड हैं आजकल के माहौल का देखा जाएगा तो। 15 साल से लेकर हमारे यहाँ पर 60 साल के लोगों तक, यानी उम्र के लोग हमारे यहाँ पर आते हैं। अलग अलग उनका नशा रहता है। जो पहले के यानी 40-50 साल के जो लोग आते हैं हमारे यहाँ पर, वो ड्रिंक एडिक्टेड है, अल्कोहल एडिक्टेड है, वो मोस्ट ऑफ उनका रेशियो है। और अभी जो बच्चे हैं 15 साल से उम्र से लेके 20 साल 30 साल के बच्चे, वो ड्रग्स एडिक्टेड हैं। अनीता जी, इस संस्था को चलाने के लिए आप फाइनेंशियली कैसे मैनेज करती हैं? हम फैमिली से मिनिमम अमाउंट लेते हैं और उससे हम चलाते हैं संस्था। हमको यहाँ पर कोई भी किसी का भी डोनेशन या चैरिटी ऐसा नहीं मिलता है। अनीता जी, आपकी संस्था में अभी तक कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आपने नशे से दूर किया है? अभी यहाँ पर मैंने 100 से भी ज़्यादा मेरे यहाँ पर से बच्चे होकर गए, जिनको हमने अच्छे से ट्रीटमेंट दिया है, उनमें अच्छे से सुधार लाया है। और यहाँ पर रोज़ अभी मेरे यहाँ पर फिलहाल 40-50 बच्चे हैं जिनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको सुधार केंद्र में रखा है। अनीता जी, प्रशासन से और लोगों से आप किस तरह की मदद चाहती हैं इस संस्था को चलाने? कभी कभी हमें ऐसे भी हमको फ़ोन कॉल्स आते हैं या फिर ऐसी भी हमारे यहाँ पर इंक्वायरीज आती है कि उनको फाइनेंशियली उनको पे करने के लिए उनको पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हमारा यहाँ का ही मिनिमम अमाउंट से हम चलाते हैं। तो मैं प्रशासन से कुछ थोड़ा अगर हमें हेल्प मिले तो मैं वो जो पैसे देने के लिए उनको, उनके पास पैसे नहीं, तो उन सारे बच्चों को भी हम ले सकते हैं और उनको भी सुधार कर सकते हैं। अनीता जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और आप समाज में बहुत ही सराहनीय काम कर रही हैं और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप दिन ब दिन रोज अपने काम को यूं ही आगे बढ़ाती रहें। धन्यवाद। अभी हम यात्निका फाउंडेशन की ट्रस्टी अनीता करांडे जी से मिले, और मैं प्रशासन और लोगों से यही चाहती हूँ कि वे उनकी इस संस्था को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें।